कोरोना के एपिसेंटर बन चुके इंदौर में कोरोना संक्रमण ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि अब लोग एक अजीबोगरीब भय में जीने को मजबूर है। भले ही इस भय को मजबूरी कहा जाए, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि हर रोज होने वाली मौतें और रिकॉर्ड संक्रमित आंकड़े वाकई किसी त्रासदी के समान है। जहां एक ओर लोग कोरोना से खौफजदा हैं, वहीं दूसरी ओर 24 घंटे जनता की सेवा में लगी रहने वाली खाकी को भी अब कोरोना का डर सता रहा है। और इसी का परिणाम है कि इंदौर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के दौरान इंदौर पुलिस ने अपने जांबाज अधिकारियों और पुलिस जवानों को खोया था। लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर के परवान चढ़ते ही पुलिस बेहद सावधान है। सतर्कता और सावधानी के मामले में इंदौर के छत्रीपुरा थाना की व्यवस्था एक उदाहरण पेश कर रही है। यहां बकायदा फील्ड से आने वाले हर पुलिस जवान और अधिकारी की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए उनके शरीर के टेम्परेचर को चेक करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसलिए काली मिर्च, अदरक और अन्य औषधीय गुणों से भरपूर तत्वों का उपयोग कर बनाया जाने वाला काढ़ा दिन में दो बार उन्हें दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वही थाना परिसर को भी बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। छत्रीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंघल के मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रोजाना कॉल के बाद पुलिस कर्मियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं ड्यूटी पर आते समय उनका टेम्परेचर भी रोजाना चेक किया जा रहा है, ताकि कोई अस्वस्थ हो तो उसे तुरंत उपचार दिया जा सके। वहीं लोगों को भी जरूरी होने पर ही थाने में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके। छत्रीपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि हाल ही में दो पुलिस जवानों का टेम्परेचर अधिक आया तो उन्हें तुरंत DRP लाइन भेजकर क्वारंटीन किया गया है। ये तो रही थाने की बात, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी कोरोना संक्रमण को लेकर अधिक सतर्क है। और उसी का परिणाम है कि पश्चिम क्षेत्र के SP महेश चंद्र जैन ने प्रत्येक थाने और CSP कार्यालय सहित जवानों और अधिकारियों को नेबुलाइजर यानी स्टीमर दिया है, ताकि वो दिन में दो दफा भाप लेकर कोरोना संक्रमण से दूर रह सके। SP महेश चंद्र जैन के मुताबिक पुलिस कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि वो स्टीमर के जरिए भाप लेकर कोरोना के खतरे से बच सके, लिहाजा उन्होंने स्टीमर की व्यवस्था की है। बहरहाल इंदौर के कोरोना से हाल बेहाल है, और अब 60 घंटे के लॉकडाउन का असर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो सभी वर्ग कोरोना से बचाव के तरीके अपनाकर खुद को महफूज रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। चूँकि संक्रमण COVID-19 का काफ़ी बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी स्वस्थ रहें। इसी के लिए हमारे यहाँ पे जब भी रोल कॉल होती है, जब स्टाफ हमारा इकट्ठा होता है, तो हमारे द्वारा उनको पूरा टेम्परेचर चेक किया जाता है, तथा पूरे थाने को सैनिटाइज करवा रहे हैं, गाड़ियों को सैनिटाइज करा रहे हैं, जिससे कहीं भी हमारे स्टाफ में संक्रमण नहीं फैले। उसी के क्रम में चालू हुआ है सारा, और उसको क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसको जो निर्धारित जो मान्यता प्राप्त काढ़ा है वो भी हम सर्व करवा रहे हैं, जिससे हमारा स्टाफ स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छी ड्यूटी को अंजाम देगा। सभी को यह निर्देशित किया जा रहा है कि जो सावधानियां हैं सभी उसको बरतें और स्टीम लें, परंतु व्यवहार में देखने में ये आया कि जो हमारे अधिकारी या जवान थक हार कर जब घर पहुंचते हैं तो वो स्टीम नहीं लेते। इसको देखते हुए आज सभी थानों पर, चौकियों पर CSP, STOP, एडिशनल SP साहिबान के ऑफिस में एक एक स्टीम इनहेलर भेजा जा रहा है, ताकि वो ड्यूटी के दौरान भी थाने पर उपस्थित रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए अपनी सुविधा अनुसार कम से कम दो बार दिन में स्टीम लें, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रह सकें। क्योंकि यदि हमारी पुलिस सुरक्षित है, तभी हम समाज को अधिक सुरक्षित रख पाएंगे।